एक पैगाम देके भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने उनको और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया था और उनको उन्होंने ये कहा था कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं रिजीम चेंज का, अगर इसको बंद कर दें तो उसके बदले में आपको 2/3 मेजोरिटी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का दिया था, गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलदम करार दे दिया है। इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया। ये इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में एक स्टेप होगा आगे। इलेक्शन जुमेरात 8 फरवरी 2024 को, हमने खराब तरीन हालात में इलेक्शन कराए हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो 2008 और 2013 से बहुत बेहतर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पिशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने इलेक्शन कमीशन से बल्ला वापस लेके दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया। अब अजीब सी बात है, कभी बल्ला आ रहा है, कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला फिर वापस जा रहा है, और इसमें कितना वक्त ज़ाया हो गया कौम का, ये एक बहुत सवाल है बड़ा, और मज़ीद कितना वक्त ज़ाया होगा कौम का, ये उससे बड़ा सवाल है जो ज़ाहिर है हम आज डिस्कस करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन क्या बचा है? इसमें कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएगा और वहां पे फिर तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालेदम करार दे दे और इलेक्शन कमीशन को दोबारा उनके फैसले को बहाल कर दे, एक फैसला तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसे पिशावर हाई कोर्ट का फैसले को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद कर दिया जाए और ये कहा जाए कि क्योंकि ये एक हाई कोर्ट का फैसला है लिहाजा उस सूबे तक महदूद हो सकता है और बाकी पाकिस्तान के अंदर बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होगा, एक ये हो सकता है। और तीसरा इसके अंदर ये हो सकता है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में अब पीटीआई इसी साइन के तहत इलेक्शन लड़ेगी। तो अब ये तीन फैसले मुमकिन हैं। अब इन तीन फैसलों में से कौन सा फैसला हो सकता है और क्या इलेक्शन कमीशन वाकई जाएगा या नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये वो सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, टिकट होल्डर मियां पार्टी के। जहांगीर जतून साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं और माहिर कानून भी हैं। और सेनेटर मौलाबख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनके साथ इनका ताल्लुक है। चांडी साहब ये फरमाइए सर, ये जो बल्ला बल्ला हो रही है इसका को पाकिस्तान को फायदा भी हो रहा है या नुकसान भी हो रहा है, और ये एक इतनी बड़ी पार्टी है उसको उसके इंतखाबी निशान से इस तरह महरूम कर देना, ये वाकई आप समझते कोई इंसाफ है? आपने बात दुरुस्त की है, ऐसी कोई भी इलेक्शन नहीं है जिसे बल्ले बल्ले नहीं की गई हो, किसी एक को मुंतखब कर लेते हैं और फिर उसकी बल्ले बल्ले करवाते हैं। इस बार बल्ले की जगह बल्ला कर रहे हैं, रिजल्ट तो है उन्हीं की वैसे ही होगी मेरा ख्याल है। क्या पहले तो देखना है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात में बल्ले बल्ले होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो नतीजे और होंगे, अगर बल्ला बल्ला नहीं होगा तो नतीजे। आप इस फैसले पे हो जाए चांडी साहब खुश है उदास है, ये जो पिशावर हाईकोर्ट का फैसला है इस पर आपकी राय क्या? मैं उदास नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिस भी चीज से ये सबूत मिले कि इंतखाबात गैर जानबदार और मुनसिपाना होंगे मैं उसके साथ हूं, मैं उसकी हिमायत करता हूं। और आपका ख्याल ये है कि ये पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसके पास इसका इंतखाबी निशान रहना चाहिए? इंतखाबात निशान को किसी से भी महरूम नहीं करना चाहिए, लेकिन पीटीआई ने जो गुज़िश्ता महीने में जो दो महीनों में जो कुछ किया है उसका भी जरूर हिसाब देना चाहिए। उस हिसाब किताब के बगैर इंतखाब में अगर उनको दे देते हैं इतनी बड़ी इजाजत और इतनी बड़ी कंसेशन तो फिर लोग फिर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किया जा रहा है। ठीक जदूर साहब फरमाइए सर, इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? एक तो ये है कि वो तस्लीम कर ले सूरत हाल को और मजीद रजिस्ट ना करे, इलेक्शन पर तवज्जो दे, और बाकी दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए। डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, इसमें तो यही ऑप्शन है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट फरीक है
तो वो सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली जा सकता है। तो अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि बल्ला इनके पास रहेगा या दोबारा वापस हो जाएगा। ये फौरन बेंच पर आना पड़ेगा क्योंकि दिन ज्यादा डेफिनेटली बिकॉज ये इलेक्शन का वैसे ही मैटर बहुत शार्ट है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, फिर उन्होंने अपनी प्रिंटिंग होती है, कंपेन चलानी होती है, तो अगर वो चाहते हैं तो लाजमी तौर पर जल्दी फैसला आना चाहिए क्योंकि इसमें डिले होने से फिर ज्यादा नुकसान होता है। देना या नहीं देना अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब ये बाकर नजफी साहब का फैसला जो तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट था बड़ा क्लियर था कि जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं वो कैसे पूरे वफाक का फैसला कर सकते हैं। देखें ना, अब उन्होंने एक जो नोटिफिकेशन थे उन्होंने कहा आप तमाम पाकिस्तान के अंदर आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप पूरे पाकिस्तान में एक्सरसाइज, लेकिन ये भी तो पूरे पाकिस्तान का, लेकिन ये नॉर्मली ये है कि जो हाई कोर्ट्स होती है वो कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन होती है। इलेक्शन कमीशन का जो चैलेंज है वो किसी भी हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी हो सकता है वो देखे कि क्या एक इस तरह, तो फिर जिस हाई कोर्ट में आप जाएंगे फिर दूसरी में नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये फैसला कर देती है कि इनको बल्ले का निशान आप केपी के तक महदूद कर दें तो फिर इनको फिर हर हाई कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा, फिर उस तरह में मजीद कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। वो फिर इस तरह हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को आप कर्टेल भी कर सकते हैं। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है सुप्रीम कोर्ट में अंदर कि अगर वो कहती है कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि फेडरेशन पूरे पाकिस्तान को दायर कर देना। लेकिन सर हर हाई कोर्ट की हदूद नहीं होती है सर। नहीं, ऑर्डिनरी मैटर में तो होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ ये जो प्रिंसिपल चल रहा है कि अगर फेडरेशन का कोई ऑफिस किसी जगह पे डोमिनेंट है, मतलब कराची में है, तो वो कराची जो है सिंध हाई कोर्ट है वो भी एक्शन ले सकती है अगर वो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर है ना। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप हाई कोर्ट की किस्म की बाकी मामला में भी प्रेसिडेंट बन जाता है। कल को कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई फेडरल सेक्रेटरी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी फैसला करेगी तो वो कहेगी जी ये जो है ना फलानी हाई कोर्ट कर सकती है, फलानी नहीं कर सकती। फिर इसलिए लेकिन देखिए इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट है ना सर, जब इस्लामाबाद मोस्टली यही होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होती है, लेकिन इनको मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ज्यादा उम्मीद नहीं है, पसंद नहीं है इनको, पसंद भी नहीं है और इनको ज्यादा उम्मीद नहीं है। इन्हें पिशावर हाई कोर्ट ज्यादा पसंद है, ज्यादा इनकी चॉइस वैसे पिशावर है क्योंकि इनको काफी वहां से रिलीफ मिल रहा है। तो ऑब्वियसली समझदार बंदा वही होता है वहीं जाता है जहां पे उनको रिलीफ मिल रहा होता है। तो ये बात है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सुनना चाहिए। पहले जब वो ऑर्डर उनका रिवाइज रिव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर आपने सुना नहीं है। अब इस मामले में आर्गूमेंट हो गया, लेकिन इसमें बाकी जो बंदे हैं वो ये प्ली ले रहे हैं कि हमें नहीं सुना गया। लेट्स सी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला कल या परसों जाता है तो फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का। एक तो शेर साहब आपको मुबारक हो, आपने बैटल बहुत लड़ी है इसमें कोई शक नहीं है, और महसूस हो रहा था कि एक गैर पार्टी या पार्टी के साथ जाती है वो, मैं दिल से ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी उससे उसका साइन छीनना नहीं चाहिए, या तो आप बैन कर देना पार्टी मुकम्मल तौर पर, और अगर वो बैन नहीं है वो इलेक्शन लड़ रही है तो फिर उसके पास सिंबल रहना चाहिए। तो आपने जंग लड़ी और एक कामयाबी आपको मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगला महाज है तो उसके लिए तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, तो उसके लिए भी तैयारी है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुनसिफ का आप उसका रोल होता है, उसके पास एक पार्टी आई, एक शख्स आया या दो अशखास या पांच अशखास आ गए, जिसमें अकबर असबाबर फ्रंट फुट पे था, जो कि ऑलरेडी 2011 में ही वो हमारा पार्टी मेंबरशिप से उसको निकाल दिया गया था, और उसने आपको बताया फॉरन फंडिंग और बहुत सारे मुकदमात पीटीआई के खिलाफ किए हुए थे, और वहाँ भी हमारी यही प्ली थी कि वो हमारे मेम्बर नहीं है। तो एक नॉन मेंबर आदमी उठ के कहता है कि नहीं जनाब इनका इंटर पार्टी इलेक्शंस ख़त्म कर दें, जो कि उनका अख्तियार नहीं था। और दूसरी बात है कि एक ऐसा फैसला जो गलत था ऑन द फेस ऑफ इट, वो उन्होंने एक फैसला दे दिया दो पार्टीज के दरमियान। लेकिन वैसे अकबर एस बाबर साहब के पास हाई कोर्ट का फैसला है कि नहीं, फैसला नहीं है, वो सिर्फ पिटीशन पास है, आपके पास भी हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, नहीं फैसला नहीं है, वो पिटीशन फाइल कर चुके हैं तो उनके हक में फैसला नहीं आया, तो पिटीशन फाइल कर देने से वो मेंबर नहीं बन जाते, तो इसलिए उनका मामला अलग है। और दूसरी बात एक बात बताऊं, देखें दो पार्टीज के दरमियान एक मैटर था, डिसाइड कर दिया एक हाई कोर्ट में हम, अच्छा पहली बात है हम वहां पिशावर हाई कोर्ट क्यों गए हैं, पिशावर के अंदर हमारा इलेक्शन हुआ है, हमारा काज इफेक्शन वहां पैदा हुआ है, और पहला जो केस का प्रोसीजर, तो आपकी नेशनल पार्टी है ना सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि जहां आपका एक अकरेंस हुआ है, जहां काज इफेक्शन पैदा हुई है, जहां आपका इलेक्शन हुआ है, तो नेचुरली आपने उस इलेक्शन को कल दम करार दिया है कि वो इलेक्शन वहां जो हुआ है। मरतबा पिशावर के अंदर इलेक्शन करवाया वैसे आपकी पार्टी ने? जी तो हक है ना, हमारा नेशनल पार्टी है, हम कहां भी करा सकते हैं, हमें सिक्योरिटी दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे कि जनाब ये इनका इलेक्शन हो रहा है तो वहां सिक्योरिटी दें, और सारी चीजें हमें फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन ने, हम वहां इलेक्शन कराए तो हमारा ये तो बड़ी बात कर दी, फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक पुलिस की मिली थी, हाँ पुलिस की मिली, इनके हुक्म पे मिली,
इनके हुक्म पे मिली और इलेक्शन कमीशन के हुक्म को तामील करते हुए हमने इलेक्शन कराया और लिहाजा काज ऑफ एक्शन वहां था। और जो पहला फैसला आया उन्होंने कहा इनको सुनकर दोबारा फैसला करें, आपको याद होगा ना उस फैसले में, आपको पता है कि वो भी पिशावर हाईकोर्ट का था लेकिन उस वक्त तो इन्होंने कोई इतराज नहीं किया कि वहां उनको जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का फैसला था। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स होती हैं वो पूरे पाकिस्तान में फंक्शन करती हैं, सिंध हाई कोर्ट अगर फैसला कर दे फेडरेशन के मुतालिक तो वो भी फैसला तसव्वुर होगा, उसका इतलाक ये नहीं है कि वो सिर्फ उस एरिया में होगा। बाकर नजफी साहब के केस का जो उनके फैसले के खिलाफ जो पिटीशन आई थी इलेक्शन कमीशन की, उसका अगर आप फैसला पढ़ें तो पैराग्राफ 6 के अंदर लिखा हुआ है कि उनकी हदूद नहीं बनती हाई नहीं वो और चीज है वो मैं बताता हूं, वो ये है कि हर सूबे के लिए नोटिफाई किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि यहां यहां ये हमने रिटर्निंग ऑफिसर्स बना दिए, तो उन आरओज का जो फैसला था हर सूबे का अलग अलग था। देखिए पार्टी के लिए अलग फैसला हो सकता है, अब अगर पंजाब में आपके खिलाफ फैसला हो जाता तो फिर कौन करेगा फैसला, क्यों करेंगे, एक इशू फैसला हो चुका है तो अब और दोबारा फैसला क्या करें। देखिए कोई पार्टी में जा सकती है जी, कौन सी पार्टी जाएगी, हाईकोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएगी, बलोचिस्तान में चली जाएगी, नहीं वो पीटीआई के खिलाफ चली जाती है, हाईकोर्ट के नहीं पीटीआई के खिलाफ वही कहते हैं जी बल्ला मेरा है, मतलब पीटीआई के खिलाफ पंजाब चले जाते हो कहते हैं जी बल्ला तो है ही मेरा है, और हाईकोर्ट कहते हैं ये ठीक कर रहे हैं। पीटीआई के खिलाफ पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक पार्टी है, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो वो कुछ जा सकते हैं लेकिन पार्टी के खिलाफ रिट पिटीशन नहीं हो सकती। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक ऑलरेडी इशू फाइनली डिटरमिन हो गया और डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया, इसके खिलाफ सिर्फ वो पार्टी जा सकती है। फाइनल हो गया आपका, इसका मतलब ये है कि आज से आपके लिए फाइनल हो गया, मुबारक दिन स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। कोई भी वैसे भी कोई भी कोर्ट देखें, पार्टी आपकी डिसॉल्व नहीं हुई और उसको डिसॉल्व करने का एक तरीका कार है जो कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, पार्टी मौजूद है इलेक्शन से चंद दिन पहले। आपको पता है आपका सेक्रेटरिएट बंद हो गया, वो क्यों ताले लग गया उसका, वो क्यों ताले लग गए, मैं ब्रेक लेने दूंगा नहीं, मतलब एक छोटा आप ब्रेक यूं कह सकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चाणी साहब फरमाइए सर, ये इलेक्शन से पहले इस किस्म की जो फिजा है ये क्या इलेक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी कि इतनी बड़ी पार्टी है वो कभी एक अदालत में फिर दूसरी अदालत में फिर केसेस चल रहे हैं खान साहब के फिर उनके अहलिया पे फिर इनके जो मेजर लीडर्स हैं वो सारे डिस्क्वालीफाई हो गए, वो इलेक्शन के दौर से बाहर निकल गए, तो इसका क्या फायदा होगा फिर ऐसे इलेक्शन का। मैं हामी नहीं हूं कि ये डिस्क्वालीफाइड हो जाए सब, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे साथ हो चुका है। जब जियाउलहक के बाद पहली इलेक्शन हमारी हुई तो किसी एक भी उम्मीदवार को हमारे को खड़े होने नहीं दिया था, उन्होंने केस बनाकर सिंध असेंबली हॉस्टल में बैठे और तमाम लोगों को नाइल करते गए और बिल आखिर उन्होंने भुट्टो साहब को ही शहीद कर दिया। तो हमारे साथ तो इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, न कोई अच्छा तजुर्बा हमें है, लेकिन हम इस पर खुश नहीं होते हैं कि ये मामला किसी और के साथ भी हो, भले इंसाफ दें। और मैं तो कहता हूं हमें अपनी दुश्मनियां भी बुलाकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, अगर अकेले आगे लेके जाना है तो फिर हमें चीजों को दुरुस्त करना होगा, कानून के मुताबिक करना होगा, तमाम पार्टियों के लिए काबिल कबूल बनाना होगा। अगर हम गैर जानबदार और आजाद इलेक्शन नहीं कर सके तो तमाम लोगों को आप एतमाद में नहीं लेंगे, एक एक जमात को आप रियायत देंगे उसके लिए आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, दूसरी जमात को आप रियायत देंगे जो जितनी बार चाहे वो करे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ये अगर ये करते रहेंगे, अगर फरमाइशी प्रोग्राम में कोर्टें भी चलती रही तो फिर इंसाफ कौन देगा, आप बताएं इस मुल्क में म्युनिसिपल इंतखाबात। तो आपका ख्याल ये है कि रायत हो रही है, ये दाद देता नहीं, आपका ख्याल है पीटीआई के साथ रायत हो रही है या नून लीग के साथ रायत हो रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने एक जुरतमंदाना फैसला करके यहां तक ये चीज पहुंचाई है। अब मेरा ख्याल है हाईकोर्ट पर तो मैं नहीं बोलना चाहता न बोल सकता हूं, लेकिन एक बात कर सकता हूं कि ऐसे फैसले ना करें, ऐसे मुतनादा बातें नहीं आनी चाहिए, जिसमें अभी भी देखो शाहिन साहब ने बात की है, वो उन्होंने की भी। अगर ये बात है किसी भी सूबे की अगर हाईकोर्ट फैसला देती है तो तमाम सूबों पर वो उसका इतराफ होता है, अगर सूबे की अलग अलग हो जाएगा तो फिर वफाक तो नहीं रहेगा, हमें ये कभी हुआ नहीं है। अभी अगर इन्होंने जो तरीकेकार अख्तियार किया है
जो अभी इन्होंने तरीकेकार अख्तियार किया है, एक जमायत को एक किस्म की रियायतें दी है, दूसरी जमायत के लिए मैदान खुला छोड़ा है और हम खड़े हैं, हम सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि भाई मुनसिबाना इंतखाबात होने चाहिए, आजादाना होने चाहिए। सुनाई किसकी देगी वो चंद दिनों में पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल ठीक जदूर साहब, ये फरमाइए सर, ये एक तासुर है कि खान साहब को रायत बहुत मिलती है, कोर्ट से मिल जाती है, कभी कहीं ना कहीं से मिल जाती है, एक तासुर है वैसे बार बार कि अभी देखे कितना सूरत हाल गंभीर थी लेकिन उसके बावजूद एक रास्ता निकल आया इनके लिए। ये तासुर नहीं, फैक्चुअल पोजीशन है और मिलती है। आप देखे ना, पहले इन्होंने ये कहा है कि जी ये मतलब बिल्कुल फैक्चुअल बात है, इसको डिनाई नहीं कर सकता जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल में आप इनके जो नॉमिनेशन पेपर है शुएब शहीन साहब को भी मुबारक दे दें कि इनके भी एक्सेप्ट हो गए और दोबारा मीडिया आप देखें ना, आप इससे बड़ी और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। और हर एक हल्के में पर्सनली जानता हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि इनके नॉमिनेशन पेपर पांच पांच छह छह बंदों के और हमारे जितना हजारा का बेल्ट है उसमें हर का एक 34 लोगों के। जी जी, अब इनको प्रॉपर ये तासुर नहीं है, ये फैक्चुअल पोजीशन है। देखें इन्हें कितना रिलीफ मिल चुका है, वरना और कोई पार्टी होती ना अब तक कब की वाइंड अप हो चुकी होती। जिस तरह मतलब है प्रेशर इस तरह किसी और का होता तो वाइंड अप हो जाता है, बहिरा आरा में दफन हो चुकी है, हां उठने के काबिल ही नहीं रहती। अब इन देखे ना, जब जाते हैं इनको, अब देखें बल्ला इनको मिल गया है, हम नहीं चाहते इनको ना मिले अगर इनका राइट बनता है, जो भी मेरिट बनता है, लेकिन ये फिर ये ना कहें जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। ये टक टुक तो हर पार्टी के साथ होती है, आज तो इनको जो रिलीफ मिल रही है, आप देखें ना पांच मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, एक बंदे का जी आप डिस्क्वालीफाई, आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, आप तो फारग है, ठीक है, फिर दो साल सजा और फिर आ कहते हैं जी केस तो फारग है, केस तो हमने जल्दी बनाया था। देखे ना इनके साथ जो कुछ हो रहा है, इनको कोर्टों की वजह से प्रॉपर रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है ना सर, प्रॉपर। इसके बावजूद शिकायत क्यों कर रहे हैं? शिकायत तो एक है, मेरी बात सुने, इनका एक बड़ा एक देखें सोशल मीडिया पर कमाल है कि इनके साथ अगर 10% कोई खुदा नास्ता थोड़ा बहुत होता है टाक टुक तो ये इसको 80% पे ले जाते हैं और ये तासर ये देते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं नहीं कहता कि इनके साथ ज्यादती हो, नहीं आप कहते हैं कि ज्यादती हो, लेकिन जो इनका हाइप है ना ये ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि हर बंदे को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। ओ हम जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अब कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली? इलेक्शन कमीशन ने खुद कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने फैसिलिटेट किया है, या एक 8% जो है वो इनके कागजात मंजूर, कागजात एक एक हल्के से पांच पांच छह छह बंदों ने, बीवी भाई जितने भी खानदान के बंदे थे उन्होंने दाखिल किए, उनके दोस्त सबने, और अगर उन्होंने कहा एक जाएगा पीछे दूसरा खड़ा होगा, तो उसके बावजूद भी जिनके रिजेक्ट भी आर ओ रिजेक्ट किए तमाम ट्रिब्यूनल ने ना मैक्सिमम 95% नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर दिए, बला इनको मिल गया है, बाकी पार्टियों के इनके साथ बराबर कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी कौन सी पार्टी बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही है, नहीं कर रहे इनको भी किसी ने मना, बाकी कोई पार्टी है आपके अभी जो बहुत बड़े जलसे कर रही है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं इलेक्शन, बल्कि वो कह रहे हैं सारे वकला को टिकट वकला की तो लॉटरी निकल आई इनकी पार्टी में, जिधर देखो तो वकला ने वाकई इनकी पार्टी को वैसे मुश्किल वक्त में अगर वकला की मतलब उनके रोल को सारे भाग गए, सिर्फ वकला खड़े हैं, वकला तमाम जगह देखो मुलाकात के लिए वकला जा रहे हैं, बाकी किसी बंदे को। लेकिन अब सवाल यह है कि इनका सेक्रेटरी जो है ना उसके अंदर पुराने जो वर्कर्स हैं ना वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और पिशावर में भी और इस्लामाबाद में भी, और वो वहां पर नाराबाजी कर रहे हैं कि जनाब पार्टी असल हम है, ये शुएब शाहीन या ये जो मरव साहब कहां से आ गए, इनको टिकट क्यों मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो छह महीने साल जेल के अंदर सेक्रेटरी जनरल साहब और ताला लगा के चले गए, सेक्रेटरी बंद कर दिए सर। तो ये वो इनका अपना देखें इंटरनल मामला है, जो इनके पार्टी के इंटरनल मामलाते हैं वो ये जाने ये बेहतर जानते हैं। हम तो ये देखें कि ये कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो अब ये कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको? देखिए पहली बात तो ये कहते हैं कि जी जलसे हम नहीं कर रहे, भाई नहीं कर रहे हो तो आप खुद नहीं कर रहे ना, जो आपने जैसे इनके लीडर का जलसा हुआ लाहौर में, उनका लीडर वो वकील है नहीं, नहीं वकील तो मैं भी हूँ, वकील ये भी है मुस्लिम लीग नून से, उनका ताल्लुक है, पूछे इनसे, लीडर है मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग लीडर है, टिकट के लिए इधर नहीं होते, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के लीडर है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे भाई है, वर्कर कह रहे हैं हम कहां लीडर है भाई। पहली बात तो यह है कि जिस दिन उनका जलसा था विद द अप्रूवल ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, जो हमारे एक वकील साहब ने वहां फंक्शन रखा, उतने लोग नहीं पहुंचे थे जितने पुलिस वाले थे और सबको उठा के ले गए वकीलों समेत, और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए गए। यह है लेवल प्लेइंग फील्ड। अब आ जाए पिछले 10 दिन आप भी चाहते हैं जहां चाहे जलसा करने की इजाजत होनी चाहिए, सबको इजाजत होनी चाहिए ना, एफआईआर होना चाहिए ना, ये तो नहीं ना कि हमें इजाजत नहीं है, सबको इजाजत है। अच्छा फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की यह सूरत हाल है,
फर्स्ट लीडरशिप हमारी, 90% उनके कागजात रिजेक्ट किए रिटर्निंग ऑफिसर ने। कागज ठीक भरते ना वो। अच्छा सिर्फ यास्मी राशिद साहब सुने, कागज सिर्फ जेल में थे, जेल में। अच्छा सुन लेना, सबके बहुत सारे मंजूर हुए क्योंकि हाईकोर्ट में गए ना, हाईकोर्ट ने फैसले किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कौन है? हाईकोर्ट थे ना। रिटर्निंग अफसर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मुझे बता दे मुस्लिम लीग नून के एक भी बंदे के रिजेक्ट नहीं हुए, सिर्फ पीटीआई थे जिनके 90% उनको कागजात भरने का तरीका आता है। 2018 में हमें भरने का तरीका आता था, 2024 में हमें भूल गया सर, उसकी वजह नए लोग हैं। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूं, जो पुराने थे आपकी बात को सपोर्ट करता हूं। एक सेकंड सर, जो पुराने थे नए हैं नहीं पता किसी को साहब, जो पुराने थे उन्हीं के कागज रिजेक्ट हुए हैं या जो वकील थे उनके रिजेक्ट हुए हैं। अब मुझे बताएं, नवाज शरीफ का वकील है अमजद परवेज और सरदार राजक हमारा हाईकोर्ट बार का साबिक सदर है, वो जाते हैं परवेज इलाही के कागज लेकर के, उसके साथ बाकी वकील समेत गिरफ्तार हो जाते हैं, अंदर रिटर्निंग अफसर भी नहीं जाने दिया और 8 बजे रात को वो भी बार की इंटरवेंशन पे छोड़ा गया। जो 10 दिन कागज जमा कराने से लेकर प्रपोजर सेकेंडर की वेरिफिकेशन तक जो 10 दिन पंजाब में धमा चौकड़ी रही, जो बदमाशी हुई, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हमने ना हंगामा देखा, ना जमहूरियत का तमाशा देखा, ना रिटर्निंग अफसर के साथ और पुलिस के बिना बगैर से। आपके लोग ये दावा कर रहे हो, कहते हैं जी बल्ला जो हमारा रेड कलर का था ये सुर्ख रंग का बल्ला नहीं दिया। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजम स्वाती मंसेरा से, वो स्कैंडर है, 3 FIR कितनी FIR के खिलाफ, उनकी देखिए अटॉर्नी उन्होंने बना के उनकी नॉमिनेशन पेपर, अब रिटर्निंग अफसर किस तरह एक्सेप्ट करे? उन्होंने कहा जी टेलीफोन नंबर बताओ। अच्छा, मेरा क्यों आ रहा है नहीं, तो 90% फिर वापस क्यों आए? नहीं नहीं, या तो फिर कहे कि हाईकोर्ट के फैसले गलत है, या कहे रिटर्निंग अफसर के दुरुस्त है। गनी बाहर के मुल्क से कागज एक्सेप्ट हो गए, इज नॉट इन पाकिस्तान, तो बेल प्रोटेक्ट नहीं उसका, पार्टी लॉ उसका हो सकता है सारे, बाकी बाकी देखिए कानून के मुताबिक अगर एक्सेप्टेबल हो सकता है तो आप जब एक मिनट हो जाते हो कहते हैं ठीक हो गया। चार्जशीट है हाईकोर्ट की रिटर्निंग अफसर के, आपने जो रिजेक्ट किए हैं, पेपर जो रिजेक्ट किए हैं वो इलीगल अनलॉफुल किए हैं, और ये भी चार्जशीट है जो उन्होंने बला आपको दिया अभी उन्होंने दे दिए, उस चार्जशीट इलेक्शन कमीशन पे नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन सहूलतकार बना हुआ है, अगर वो ना बना होता किसका? अच्छा किसका? माफिया का, माफिया का सरबरा वो है जो लंदन से आया है। वो खुदा के लिए देखो जी कैसी गलत बात है, और कौन है नवाशी को पाया देने के लिए दोबारा जरूरत। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदी जनून साहब, अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे तो दे दें क्या? देखिए मेरी बात सुन, मैं एक बात मेरी रह गई थी, इनके साथ किसी ने ज्यादा हुई तो एक पुलिस वाले ने की होगी, थंदार ने की होगी, हम उसको कंडेम करते हैं। इनका लीडर कहता है वो यूनाइटेड नेशन में जाकर कहता है कि मैं जाके एयर कंडीशन उतारूंगा, आज उसी बारक में वो है, किसी ने कहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कहा है कि हम इसका एसी बंद करेंगे, आम आज इसका हीटर बंद कर देंगे, हीटर बंद कर देंगे, चले इन्वर्टर लगाया हुआ उसने तो उसका ये नहीं कहा है कि वो एसी बंद कर देंगे। देखिए ना इनका लीडर ये इंतकामी, इतना इंतकामी था, आज दिन तक उसने अपोलोजाइज नहीं किया, अभी ये कहते नहीं फलाना आया फलाया, हम तो कहते हैं जो आपने गलतियां की आके मीडिया पे माने, हम कहते हैं आपके साथ ये जाती ना हो, लेकिन आप ये माने कि आपने गलतियां की हैं, आपने ये माइंस खुद एक दिन ना प्रॉक्सी पिटीशन गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 14 सेंटर PMLN के उनसे टिकट भी ले लिया गया, उन्होंने कहा ये टिकट इशू को इशू नहीं कर सकते, उनका निशान वापस ले, क्यों वापस ले लिया गया कि इन्होंने एक प्रॉक्सी पिटीशन के जरिए जस्टिस साकब, चीफ जस्टिस साकब ने सारे कहा था जी कि ये बंदा किस तरह टिकट इशू कर रहा है, इतना पर्सनलाइज इतना किया, मतलब इंतकाम लिया पर्सनलाइज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस, इनको तो माशाल्लाह इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड अब मिल चुकी है, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम इनके पेपर एक्सेप्ट हो चुके हैं, इनको जलसे की भी इजाजत है, ठीक है थोड़ी बहुत तो देखो ना पार्टियां होती हैं, ये खुद क्या करते रहे, आप कॉन्टेक्ट पर देखें वो माफी मांगे कि हमने गलतियां की हैं, किसी से मिलकर गलतियां की हैं, आइंदा जो है हम नहीं करेंगे। अच्छा चाणी साहब, सूरत ये है कि अभी इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चीज को नहीं मान रही, और अगर खुदा ना खास्ता, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये हार गए तो ये हार को कैसे मानेंगे फिर? मेरा ख्याल है इनको वो बातें माननी ही नहीं है जिनके खिलाफ जाएगी, ये चाहते हैं वो जो गजिश्ता इंतखाब हुए वैसे हो जाए, ये चाहते हैं साकिब निसार साहब दोबारा आ जाए, दोबारा फैसला करें, दोबारा इन तमाम लोगों को नाइल कर दें, ये वो चाहते हैं इलेक्शन, ये इंतखाब चाहते ही नहीं है, इनके मिजाज के मुताबिक इंतखाब है ही नहीं, ये अपनी पार्टी में ईमानदार इंतखाबात नहीं करा सकते, दूसरी पार्टी में दूसरे मुल्क के इंतखाब कैसे कराएंगे? आप देखें इनके जस्टिस साहब थे, उन्होंने आते ही उस इंतखाबात को मुतनाजा बना दिया जो पहले इंतखाब इनके पार्टी के थे,
और फिर उनको वो इंतखाबात खत्म करने पड़ गए। तो इनको इंतखाबात मिजाज में नहीं है। अब ये चाहते हैं फिर कोई जनरल साहब आए जिनकी हम उंगली पकड़े और उंगली खड़ी करें, हम उसको पकड़े और उसके पीछे चले जाएं। जनाब फिलहाल ऐसी मौसम नहीं है कि कोई उंगली आपको दे, लेकिन इसमें किसी और की तो गलती नहीं है। आपने ये माहौल पैदा किया है, आपने कौमी इदारों को जलाया, आपने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। कभी पाकिस्तान के फौजी पर एक सिपाही पर हमले करने की आज पाकिस्तानी जुर्रत नहीं करते, उनकी मर्जी नहीं है, जुर्रत तो और बात है। उन्होंने कभी पाकिस्तानी सिपाही को हाथ नहीं लगाया, आपने कोर कमांडर को हाउस को आग लगा दी, आपको बोले भी ना, आपको कहे भी नहीं। आप हर वक्त चाहते हैं कि चीन जैसे पाकिस्तान उठकर आपको वेलकम करे, आपको खुशामदीद करे। इंतखाब ऐसे तो नहीं होंगे, अगर ऐसे ही इंतखाब चाहते हो तो इंशाअल्लाह ताला ये चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान जैसा नहीं करेंगे। देखें, इंतजार करें, दूसरा कोई चीफ जस्टिस आए, फिर आप फैसला ले लीजिएगा। तब तक इंतखाब को आप मौखर करवा दें, ये अपील करें, इलेक्शन कमीशन में जाएं। ये आप दुरुस्त नहीं, पीटीआई दुरुस्त नहीं कर रही। पीटीआई जिस किस्म के इस मुल्क में निजाम लाना चाहती थी, अल्लाह ताला ने वो नाकाम कर दिया। अगर वो कामयाब होता तो इस मुल्क में सियासत नहीं होती, इस मुल्क में जमहूरियत का नाम भी नहीं होता, इस मुल्क में कोई पार्टी नहीं होती। एक सिविलियन मार्शल ला एक सिविलियन मार्शल खत्म कीजिएगा, नाफिज करना चाहते हैं। मैं ये मसला ये है कि वो इनकी ख्वाहिश यही है। रुकिए चांडी साहब, कुछ लोगों को ये कहना है कि आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आपके पास चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब होने चाहिए और डीजीआईएसआई जो है जनरल फैज अमीर साहब होने चाहिए और नैब के चेयरमैन जो है जावेद इकबाल साहब होने चाहिए। अगर तीन बंदे आ जाएं तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। देखें, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो जुल्म बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा है, आज जबर की फिजा कायम रखी है, ये इलेक्शन के लिए कहां जबर है, क्या जबर होता है? आपके कितने लोग हमारे 8% लोगों के ये आप मेरे साहब आप मेरे पिछले प्रोग्राम बार की बोलो, एक मिनट सर, एक मिनट, पिछले मेरे प्रोग्राम उठाएं, आपके प्रोग्राम में बैठ के आपके सारे दोस्त क्या कहते थे, आपके पास तो कोई कैंडिडेट नहीं होगा, सारी लीडरशिप हमने उठा के हवा पर बयान की नजर कर दिया, सब लोग हवा कर दिया, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, कुछ बाजू को जेलों में डाल दिया। आपने ये कहा था, मैंने यहां बैठ के कहा था कि हमारे हर हलके में 7 से 14 कैंडिडेट हैं और हमने सब वर्कर को आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए चाहिए कि आप जबर और जुल्म बंद करें, आज आप हवा करना बंद करें, आप रियासी दहशतगर्दी बंद करें, आप उम्मीदवार आज के लोग मुझे बताएं, उस्मान डार की वालदा के घर दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा नहीं अटैक हुआ, क्या मीडिया ने नहीं दिखाया, क्या उसके बेटे को आज उम्रदार को नहीं उठाया हुआ, टिकट मिला हुआ है उनके और कागजात उनके मंजूर हुए हैं जी, हाई कोर्ट ने मंजूर किए ना, तो सर हाई कोर्ट किसी और की है सर, हमारे मुल्क की है ना, तो फिर अदालतों से इंसाफ मिला ना, रिटर्निंग अफसर ने हमें क्या दिया, तो बाकी रियासीदारों ने क्या किया, उम्रदार को उठाया हुआ है, कौन उठा के ले गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज किसने गायब कर दी। बात यह है कि जब आप ऐसी बात करते हैं, मुझे बताएं, पूरे मीडिया ने दिखाया जो कुछ हो रहा था, इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? जो चाणियों साहब कह रहे हैं, मैं इनसे बात सवाल करता हूं, बिलावल साहब एक सेकंड, आप लोग कहेंगे वो बात दुरुस्त होगी, मैं चाणियों साहब से सवाल करता हूं कि हमने कोई उनके साथ ज्यादती नहीं की किसी खातून के साथ, लेकिन आप पुलिस की बात, आपने इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं, आप और आपने इंटर पार्टी स्वीक करने का मसला यह है, जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया है, बाकी हमें छोड़ दे, चांडू साहब, चांडू साहब उन्होंने जो लिख के दिया है, नहीं मैं चांडू साहब की बात का जवाब दे दूं, फिर चांडू साहब दे दें, चांडू साहब से मैं सवाल करता हूं कि बिलावल साहब खुद 3 महीने कहते रहे कि ये जुल्म हो रहा है, हम इसको नहीं मानते, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन एक राव अनवार की स्टेटमेंट के बाद और हाफिज नईम की इस बात के बाद जनाब हम अदम एतमाद ला रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा बिलावल को तो बच्चा है, उसको तो पता ही कुछ नहीं, ठीक है, अब ये जवाब क्यों उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेने दे, चांडी साहब सवाल आपके पास है, बगैर सवाल के आपने बोलना, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। चांडी साहब, वैसे शोएब शहीन साहब की यह बात दुरुस्त है के बिलावल भुट्टो साहब भी कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, तो कहते हैं उसके बाद खामोशी अख्तियार कर लिया आपने। देखिए, एक बात, इलेक्शन के माहौल में
कई बातें की जाती हैं, उसका एक ही मकसद नहीं लिया जाता, लेकिन इनको बच्चे वाली बात ने बड़ा परेशान किया हुआ है। मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क में आए तो बड़े बड़े बुजुर्ग और चुगादरी लोग बैठे थे, उनके सामने भुट्टो साहब बच्चा था, लेकिन भुट्टो साहब को तब भी इन्होंने कहा यह बच्चा आया है, बच्चा वो बच्चा पाकिस्तान की सियासत पे एक छाप छोड़ गया है। बीबी आई, बीबी उम्र में बहुत कम सन थी, जब असेंबली में कसम लेने आई तो जो चुगादरी बैठे थे वो हैरान थे, और मैं देख रहा था, मुझे अभी भी वो मंजर याद है किस अंदाज से बीबी की पहली तकरीर पर वो मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अभी मियां साहब जैसा मुखालिफ भी बीबी साहबा की मजाक से गया। अभी आप कहते हैं बिलावल साहब के लिए, जरदारी साहब, आसिफ साहब बिलावल साहब के वालिद बुजुर्गवार हैं, वो 50-60-70 साल के भी हो जाएंगे तो भी उनके लिए तो बच्चे हैं, लेकिन आपने जिस तरह इस बात को लेके आया, ये सिर्फ आपके अंदर की घुटन है, वो कुछ भी नहीं है, आपको खौफ खाना चाहिए। और मैं चौधरी साहब एक जुमला ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के मुखालफों के खौफ का नया नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है और कुछ भी नहीं है, ये सारा उनका मामला है। बिलावल साहब आएंगे, बिलावल साहब मुकाबला सवाल चढ़ी साहब आपसे, आपने साबित किया अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूगत, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, अब आपको कोई एतराज नहीं। पहली तकरीर उनकी सुने जो उन्होंने इमरान खान साहब के सामने की, सारी दुनिया ने कहा एक मुद्दबिर बात कर रहा है, अक्वामे मुत्तहिदा में गए, वजीर अजम ने क्या बात की, हमारी गर्दन शर्मों से झुका दी, ये वापस ले लूंगा। ये बिलावल साहब गए, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने सवाल किया गया इमरान खान के मंत्री, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। चांदी साहब रुकिएगा, जदूर साहब अब ये मामला सेटल कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं और मेरा ख्याल है जब तक वो मुतालबात माने नहीं जाते, मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन के रिजल्ट माने जाएंगे। देखिए सबसे बुनियादी बात यह है कि पीटीआई को रियलाइज करना चाहिए कि ये सच को सच माने और झूठ को झूठ, यानी ये कहते हैं जो बंदा हमारे साथ आएगा वो ठीक है, जो हमसे दूर होगा वो गलत है। आज देखे ना, अमन खान ने उस दिन बयान दिया, एक इनके वकील जो है मेरिट पे कभी कभी बयान देते, उन्होंने कहा जी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन बहुत गलत फैसला था, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से वैसे यही शुरू से, फिर उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई, उन्होंने मीडिया पे कहने पे आपका इनका बंदा कोई नहीं मानने वाला, शेवी सेन साहब आज ये माने कि गलत सजा हुई थी और वो यूज हुए, अब ये वैसे वो नहीं, अब ये माने कि ता हयात नाहली गलत है, क्योंकि इमरान खान साहब भी बच गए, बच गए ना जी। इनको देखें, जब आप सही फैसले करते हैं उसका बेनिफिशियरी तमाम सिस्टम होता है, किसी एक बंदा नहीं होता। आज देखे ना, अगर इन्होंने तो रेफर जो था इलेक्शन कमीशन ने 62F का भेजा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनको तोशाखाना केस में 62F1 के अंदर सजा नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं लाइफ डिस्क्वालिफाई, इनके लिए 5 साल हो गए हैं, तो इनको जो गलतियां इन्होंने की हैं ये क्यों नहीं मानते, आज भी ये इस जिद पे हुए हैं कि जी मियां नवाज शरीफ का ये हो गया, वो लाए गए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। भाई अगर कोई किया था तो फिर आप साबित कर रहे थे, एजेंसियां सारी आपके साथ थी, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ थी, जिस तरह आपने फैज अमीद का नाम सजा हुई वो किस तरह आज हुई है। देखिए ये इनकी सबसे बड़ी खराबी यही है, देखिए साबित हो गया था सजा हुई, ये नहीं कहते कि जेली केस बनाया गया था, ये नहीं कहते गलत केस बनाया था, ये नहीं कहते, ये देखिए आज कैसे उड़ गया सर, इनको कम से कम मानना चाहिए ये वकील है कि यार केस गलत था, कसम खुदा की मुझे अच्छे बंदे हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब ये पार्टी लाइन इतनी टो करते हैं, अंधे होकर बंदे को पार्टी लाइन टो नहीं करनी चाहिए। ये देखिए आज माने मियां नवाज शरीफ पे गलत केस बनाया था, आज इनको एडमिट करना पड़ेगा, जमीर से देखें बात कर रहे हैं, आज इनको गलत मानना पड़ेगा कि पीएमएलएन की लीडरशिप पे जो केस बनाए गए थे बोगस थे, गलत थे, उनको जेल के अंदर डाला गया था, गलत थे, ये आज मान ले कसम खुदा की, ये एक्सेप्ट कर ले इनकी। जदून साहब गुस्सा कम हो जाए, मैं फिर गुस्सा नहीं बता रहा हूँ गुस्सा नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता दें, बड़ा तहमल मिजाज से, क्या पनामा लीक्स का इशू ये पीटीआई ने क्रिएट किया था? पनामा लीक्स जब ऑफशोर कंपनीज में आया, सर 468 लोग थे जी, सर मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल के कई लीडर्स जिन्होंने खुदकुशियां की, कुछ को इकतदार छोड़ना पड़ा, और नवाज शरीफ साहब वो थे जिनके बेटे ने सबसे पहले आकर सर, कहा आज दावत क्यों नहीं सर, आधा मिनट दे दें, एक मिनट दे दें सर, एक मिनट दे देना, आप तक पहुंच जाता हूं उस बात सवाल जवाब तक। सर जब वो वहां आया हुसैन नवाज साहब आकर कहते हैं माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और मरियम नवाज की बेनिफिशियल ओनर है, नवाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहते हैं ये हमारे हैं, ये हैं वो रसीदें और जराए जो अदालत बुलाएगी तो मैं पेश करूंगा, फिर वहां अकरम शेख साहब लेकर के आए,
वहां ले आए सुन ले बात मुकम्मल कर रहे चौधरी साहब वहां कतरी खत ले आए जिसको बाद सुन लेना सर सुनने का हौसला पैदा करें ना इसका मतलब हाई कोर्ट ने गलत फैसला किया है हाँ ये बिल्कुल गलत फैसला किया है गलत फैसला किया बिल्कुल गलत फैसला किया है इसलिए कि जब प्रोसिक्यूटर आपके साथ मिल जाए सुन ले नैब बांदी बन के उसके लिए खड़ी हो ना इसकी गिरफ्तारी चाहिए ना हमारे पास जब पहली दफा प्रोसिक्यूटर सही मेरिट पे बयान दिया उसने कहा प्रोसिक्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रोसिक्यूट करें प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि आप मेरिट पे फैसला करें अगर केस मेरिट ये है नवाज शरीफ को एक इश्तिहारी मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल दे दें जो सब्सिक्वेंटली कहा नहीं मिल सकती सर कोर्ट का अख्तियार है नहीं है अख्तियार इनको पता क्या बेल केस रजिस्टर्ड नहीं है उनमें भी बेल दे दो इनको ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उषा बीबी आज की जमानत में जितना रिलीफ हाई कोर्ट मिलना ये हक होता है किसी तो और का इनका हक क्या हमारा हक नहीं है किसी और का हक सुन लेना अब आप वकीलों वाली बात करें इश्तिहारी मुजरिम का हक नहीं होता मुलजिम का हक होता है इश्तिहारी मुजरिम थे और जब फैसला आया आपको बताए उन्होंने हाईकोर्ट ने ये लिखा और सर ये मिलेगा जो मुजरिमों की फांसी अब आगे आए अब आगे भी छोड़ दिया जाता सर देखिए आगे आए छोड़ दें लेकिन जब आप एविडेंस का आकर के प्रोसिक्यूटर कहेगा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जब आकर कहेगा कि हमने जो अपील की थी हम वापस ले रहे हैं जब आपके कहेगा कि हमें इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए जब मिली भगत होगी जब कनाइवेंस होगी तो अदालतें हाईकोर्ट ये कनाइवेंस है अगर देखे गुफ्तगू सुनी फैसला आपने खुद आप और आपके अहले खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे अल्लाह हाफिज़।